अगर आपको लगता है कि मैं सही नहीं कह रहा तो ndtv.in पर जाकर यूनिवर्सिटी सीरीज के सभी 27 अंक देख जाइए और फिर अपने बच्चे को दिखाइए कि हम तुम्हें इस कॉलेज में बर्बाद करना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT स्वरोजगार पर मांगा हिसाब तो रविश कुमार ने कुछ इस अंदाज में कसा तंज। दरअसल IIT दिल्ली द्वारा आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, जब भी मैं IIT जाता हूँ तो वहाँ पर हमेशा बेहतरी के पैमाने के तौर पर बताया जाता है कि उनके किस स्टूडेंट को नौकरी का कितना बड़ा पैकेज मिला। इससे बाहर निकलना होगा IIT को, पैकिंग नहीं बल्कि ये बताना होगा कि उनके विद्यार्थी के कितने इनोवेशन बाजार में आए, कितनों ने पैसे कमाना शुरू किए और उससे कितने रोजगार पैदा हुए। हमें IIT को प्लेसमेंट पैकेज के आधार पर आंकना बंद करना होगा। इसी पर रविश कुमार ने तंज कसते हुए फेसबुक पेज पर लिखा, शिक्षा मंत्री ने तो IIT वालों को डांट दिया, क्या मंत्री ने यह भी बताया कि इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए 8 साल में IIT को सरकार ने कितना फंड दिया। पहले अपना हिसाब दीजिए, फिर उस पैसे का हिसाब मांगिए। इस हिसाब के साथ IIT को बताना चाहिए कि कितने इनोवेशन हुए हैं, वरना मंत्री जी डांट देंगे। इस हेडलाइन से तो यही लगता है कि IIT वाले नकारे हैं, उनसे इनोवेशन तो होता नहीं, बस कंपनियां उनका मुंह देखकर पैकेज दे देती हैं। मंत्री जी IIT से हिसाब मांग रहे हैं कि उनके इनोवेशन से कितनों को रोज़गार मिला। अपना हिसाब दे देते कि उनकी सरकारी नीतियों से कितने को रोज़गार मिला। खुद तो रोज़गार का हिसाब देते नहीं, IIT से हिसाब मांग रहे हैं। रविश कुमार का ये पोस्ट जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। एक यूज़र ने लिखा, यानी नज़र अब IIT पर है, या तो बेच देंगे या बंद कर देंगे। एक यूज़र ने लिखा, सरकार हाथ पर हाथ रखे खड़ी है, पूरे देश को कंगाल बना दिया और आज IIT वालों से नौकरी मांग रहे हैं। नौकरी देने का काम सरकार का है और IIT वालों को प्रोत्साहित करने का काम भी सरकार का है। सरकार में जो लोग पद पर बैठे हैं वो खुद नकारा हैं। एक यूज़र ने लिखा, जो नेता खुद नैतिकता को बेच खा गए वो दूसरे को नैतिकता बताते हुए अच्छे नहीं लगते। अगर आपने तय कर लिया है तो फिर आपको यह जानकर खुशी होनी चाहिए कि कई राज्यों में आपके बच्चों के पढ़ने के लिए ढंग का एक कॉलेज तक नहीं है। उन कॉलेजों में शिक्षक नहीं है, जो ठेके पर पढ़ा रहे हैं उन्हें 10-12 हज़ार रुपये दिए जाते हैं ताकि वो ढंग से ना पढ़ा सकें। अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों को कहिए कि हमने तुम्हारी बर्बादी का इंतज़ाम फला राज्य की राजधानी में कर दिया है, चलो अब TV देखते हैं। तो आप रविश कुमार के इस तंज से भरे पोस्ट को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।